फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा, किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं, नहीं देखना कि इलेक्शन कमीशन के बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाजे कर दिया, रिमार्क्स दिए कि कोई केस नहीं रोका जा रहा, तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। मेंबर बलूचिस्तान ने पीटीआई वकील से कहा कि आप कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, कहां लिखा हुआ है कि इंतजार करें। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया, केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं, किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही, फैसला मेरिट पर होगा, कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं, नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। वकील तहरीक इंसाफ अनवर मंसूर ने केस में इल्तवा की इस दरख्वास्त की। मेंबर बलूचिस्तान ने कहा, आप कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, कहां लिखा हुआ है कि इंतजार करें। अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मुकालमा पेश कर दिया, कहा दूसरी पार्टियों को 3 माह की तारीख दी जा रही है, हमारे केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया, आप जज्बाती ना हों, आप सीनियर वकील हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं। वकील ने कहा, मैं आज दलाइल नहीं दूंगा, आप जो मर्जी ऑर्डर दें, अगर आप दूसरों को इस लेवल पर लेकर नहीं आते तो दुरुस्त नहीं। हमारे दस्तावेजात दरख्वास्त गुजार को दे दिए गए, हमें दूसरी पार्टियों के दस्तावेजात नहीं दिए जा रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम दस्तावेजात फरहम करने का हुक्म दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने हमें नोटिस किया हुआ है, हम वहाँ जवाब देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने पहले भी आपकी मर्जी की तारीख दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।